देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज यानी 24 सितंबर को बलिया आएंगी। बता दें कि यूपी की गवर्नर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जिला मुख्यालय पर गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित होगा। आज यानी 24 सितंबर को द्वारका हाउसिंग योजना में 173 फ्लैट्स की ई नीलामी की जाएगी। बता दें कि डीडीए की सस्ता घर योजना में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट बेचे जा रहे हैं। वहीं 20 अगस्त को इस स्कीम को जनता के लिए लाया गया था। विदिशा में छात्र छात्राओं के साथ कई निजी स्कूलों में शोषण हो रहा है। इसके विरोध में आज यानी 24 सितंबर को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देगा। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन जिला पंचायत रायसेन द्वारा आज यानी 24 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन होगा। बता दें कि ये मेला जनपद पंचायत प्रांगण सिलवानी में रखा गया है। डीपीएम एम राजा ने बताया कि इस रोजगार मेले में कई कंपनियां आने वाली हैं। जोधपुर में श्री जागृति संस्थान की ओर से मधुर स्वर लहरी कार्यक्रम आज यानी 24 सितंबर को शाम 4 से 7 बजे तक नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य भवन में आयोजित होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज यानी 24 सितंबर को सुबह 10:15 बजे जयपुर आएंगे। बता दें कि रेल मंत्री इस दौरान जयपुर ग्रामीण के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद स्टेट महिला मोर्चा के बीजेपी मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। रेलवे मिनिस्टर दोपहर 1:30 बजे इंस्पेक्शन ट्रेन के जरिए जयपुर से सवाई माधोपुर जाएंगे। संत किशनगिरी व बालराय भोपा के साजी के सानिध्य में एक शाम पूरब जी के नाम भजन संध्या आज यानी 24 सितंबर को आगदड़ा में होगी। बता दें कि आयोजक दिलीप बागरेचा ने बताया कि भजन संध्या में गायक रमेश माली, किशोर पालीवाल रहेंगे। राजकोट महापालिका द्वारा सेवा सेतु कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे से पूर्वी क्षेत्र के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में शुरू होगा। बता दें कि इस 10वें चरण के सेवा सेतु शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि योजना, स्वास्थ्य शिविर, आरसीएस, आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन योजनाओं पर काम किया जाएगा। सीहोर जिले में इन दिनों फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर की मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म होम बाउंड की शूटिंग चल रही है। बता दें कि इस फिल्म में एक्टर ईशान खट्टर और एक्ट्रेस जानवी कपूर हैं। जिले के मगरखेड़ा में आज और कल इसके सीन फिल्माए जाएंगे। आईएमडी ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज से मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा और बारिश होगी। बता दें कि आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1789 में अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय बनाया गया। आज ही के दिन 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1963 में वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार पंकज पचौरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1992 में भारत के भूतपूर्व 13वें मुख्य न्यायाधीश सर्वमित्र सिकरी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।